इस मॉड्यूल में हम एनिमल डाइवर्सिटी इन वर्टिब्रेट्स में काइनोडर्म्स के रिप्रेजेंटेटिव, सी स्टार और सी लिली के दरम्यान डिफरेंस को देखेंगे अगर चाहे दोनों एनिमल्स देखने में सिमिलर लगती हैं बट दे आर डिफरेंट तो इनके अंदर डिफरेंसेस क्या हो सकती हैं डिफरेंसेस इसकी अभी पिछली स्लाइड में हमने डायग्राम ये देखी थी कि दोनों जो हैं नॉर्मली सी लिली और सी स्टार दे आर यूजुअली अटैच टू द सबस्टेटम विद द हेल्प ऑफ ए स्टाक अब जो इसका अटैचड एंड है स्टाक का दिस यूजली बीयर्स दिस्क आर रूट लाइक एक्सटेंशन और ये जो एक्सटेंशन है दे आर अगेन फिक्स टू द सबस्टेटम अब इसमें जो डिस्क लाइक ऑसिकल्स हैं स्टाक के दे अपियर टू बी सैक्ट सेट का मतलब है कि ये एक दूसरे के ऊपर होंगे हेल्ड दे आर यूजअली नॉर्मली हेल्ड टूगेदर इन द फॉर्म ऑफ ए स्टार और उससे हमें यह लगेगा कि जितने भी इसके सी लिली या सी के सी फैदर स्टार के फैदर्स हैं दे आर स्टैक्ड ओवर वन अनदर एंड दे लुक लाइक इन द फॉर्म ऑफ पाइल ये सारी पाइल्स के फॉर्म में हमें नज़र आएंगी और इसको अनदर हम एक और टर्म यूज़ कर देंगे के दे गिव अस आर जॉइटिड अपीरेंस राधर देन गिविंग अस एन इंडिविजुअल अपीरेंस ऑफ दब ये स्टॉक्स जो हैं दे आर नाट फ्री स्ट्रक्चर्स दे यूजली बीयर सम प्रोजेक्शंस और उन प्रोजेक्शंस को हम सिराय का नाम भी दे देते हैं ये प्रोजेक्शंस या सिराय जो हैं नॉर्मली दे आर अरेज इन हॉर्ल्स अब जो अनअटेच एंड है सी लिली का उसको हम कहते हैं क्राउन एबोरल एंड जो क्राउन का है दिस अटैच टू द स्टाक एंड इज स्पोटेड बाय स्ट्रक्चर या एंडोस्केलेटन उस एंडोस्केलेटन के लिए वर्ड हम यूज करते हैं कैलेक्स अब फाइव आर्म्स जो हैं दे आर यूजली अटैच टू दिस स्ट्रक्चर नोन एज द कैलेक्स कि उसके फाइव आर्म्स हैं तो यह इस स्ट्रक्चर कैलेक्स के साथ अटैच होंगे अब अगेन जो हैं जो ब्रांच्ड हैं स्ट्रक्चर्स दे आर जितनी भी ब्रांचिज हैं सी लिली या फेदर स्टार के अंदर दे आर नॉट सिंपल बट दे आर सपोर्टेड बाय स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्सोस्केलेटन जिसको हम कहेंगे ऑसिकल्स ऑसिकल्स आर बेसिकली पार्ट्स ऑफ एंडोस्केलेटन दे आल्सो बियर स्मॉल ब्रांचिज जिसको हम कहेंगे पिनयूल्स अब पिनयूल्स जो हैं एक्चुअली दीज आर द स्ट्रक्चर देट गिव फैदर लाइक अपेयरेंस टू सी लिलीज एंड फैदर स्टार अब ट्यूब फीट काइनोडम्स का ऐसा फीचर है जो कि हमें हर रेप्रजेंटेटिव में मिलेगा इसी तरह से सी लिली और फेदर स्टार में भी ट्यूब फिट है बट हेयर ट्यूब फीट आर इन अ डबल रो अलॉन्ग ई ईच आम हर आम के अंदर ट्यूब फिट की डबल रो मौजूद होगी अनदर इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो हैं वो हैं एम्बुलेक्रन ग्रूफ्स, एम्बोलेकरल ग्रूफ्स भी परमानेंट फीचर है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एक का अब इसमें एम्बोलेकरल ग्रूफ्स जो हैं ऑन द आर्म्स दे लीड टू द माउथ अब जो माउथ और एनस हैं दे नॉर्मली ओपन ऑन दी अपर आर ओरल सरफेस ऑफ दी लिली एंड फैदर स्टार फैदर स्टार्स जो है दे आर सिमिलर टू दी सी लिलिज बट इनके अंदर देर इज़ आ डिफरेंस अब वो डिफरेंस इसमें क्या है कि फेदर स्टार्ज नॉर्मली दे डू नॉट हैव अट्ट एंड आर स्विमिंग एंड क्रॉलिंग एनिमल्स जबकि सी लिलीज जो हैं दे आर हैविंग अ स्टॉक विद दैम अब औरलैंड की हमने बात की जो इसका दूसरा एंड है एनिमल का दैट इज द एब औरलैंड एबोरल एंड जो है दिस बियर्स क्राउन रिंग ऑफ रूट लाइक सिराए विच क्लिंग वेन द एनिमल इज रेस्टिंग ऑन द सबस्ट्रेट फेदर स्टार जो है नॉर्मली दे शो द प्रोसेस ऑफ स्विमिंग बाय रेजिंग एंड लोअरिंग द आर्म्स एंड वेन दे क्रॉल ओवर द सबस्ट्रेट दे पुल विद द टिप्स ऑफ द आर्म्स आर्म्स आर द स्ट्रक्चर विच आर यूज for swimming as well as for crawling these are the animals of phylum echinodermata belonging to class crinoidea so here you can see the difference between sea lily and feather star the difference is quite obvious they are giving some fee appearance and do not have stock with them but sea lilies they are having stock with them